आर्थिक मोर्चे पर अक्टूबर दिसंबर तिमाही नीति निर्माताओं के साथ ही हर किसी के लिए बुरी खबर लेकर आई है। दुनिया पर गहराते मंदी के साए के बीच जिस भारत को आईएमएफ ने ब्राइट स्पॉट करार दिया था, उसकी इकॉनमी का प्रदर्शन तीसरी तिमाही में मायूसी भरा रहा है। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 2022-23 की तीसरी तिमाही में घटकर 4.4% रह गया है। 2021-22 की तीसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 11.2% की दर से बढ़ी थी। इससे पहले जुलाई सितंबर तिमाही में आर्थिक विकास दर 6.3% रही थी। इस कमी की वजह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन को माना जा रहा है। इसके साथ ही एनएसओ ने अपने दूसरे एडवांस अनुमान में 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया है और 2021-22 की विकास दर को 8.7% से बढ़ाकर 9.1% कर दिया है। जानकारों का मानना है कि भारतीय इकोनॉमी में तेजी को लगा ये ब्रेक अस्थायी साबित होगा और देश की विकास दर आने वाले दिनों में जोरदार प्रदर्शन करेगी। वहीं अगर बीती तिमाही में अलग अलग क्षेत्रों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उत्पादन में 1.1% की गिरावट दर्ज की गई है। खनन और इससे जुड़े क्षेत्र का ग्रोथ रेट दिसंबर तिमाही में घटकर 3.7% रह गया है। निर्माण क्षेत्र की विकास दर बढ़कर 8.5% हो गई है। बिजली, गैस, जलापूर्ति और दूसरी जरूरी सेवाओं की विकास दर 8.2% रही है। सेवा क्षेत्र, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं की ग्रोथ 9.7% रही है। वित्तीय, रियल इस्टेट और पेशेवर सेवाओं की ग्रोथ बढ़कर 5.8% हो गई है। लोक प्रशासन, रक्षा और दूसरी सेवाओं की विकास दर घटकर 2% रह गई है। यानी कुछ सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखी जा रही है और कुछ अभी दबाव में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एनएसओ ने बीते 2 साल की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा भी जारी किया है, जिसके मुताबिक 2021-22 की प्रति व्यक्ति आय 1,27,065 रुपए और 2021-22 में 1,48,524 रुपए रहने का अनुमान है। जाहिर है ये दोनों कोरोना प्रभावित साल थे तो आय को लेकर ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब देश इस संकट से उभर इस साल ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हासिल करने में सफल रह सकता है।